हेलो, अक्कू यात्रा में आपका स्वागत है। हमारी पेरिस की ट्रिप जो है वो शुरू हो चुकी है। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये सब्सक्राइब करें। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है, बहुत से लोग हैं जो नए नए पेरिस में जाते हैं, मोस्टली इंडियंस, उनको नहीं पता होता है कि वो मेट्रो से कैसे जाएं, टिकट्स कैसे लें और कौन सा रूट सही रहेगा उनके लिए जाने के लिए। तो आज का पूरा वीडियो इसी पे है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मेट्रो की टिकट्स कैसे लें, कौन सी टिकट्स आपको सस्ती पड़ेंगी, बंडल में या फिर सिंगल टिकट्स, टिकट्स का यूज कैसे करना है और पैसे कैसे बचा सकते हैं। जी हाँ, मेट्रो वैसे ही सस्ती है पेरिस की, लेकिन आप चाहे तो इसमें भी पैसे बचा सकते हैं। तो आज का पूरा वीडियो इसी पे है, तो एक भी स्टेप मिस ना करें और वीडियो का एंड तक देखें। और अब हम जो आपको दिखाने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है अगर आप पूरा पेरिस बहुत ही कम दाम में घूमना चाहते हैं। तो ये है मेट्रो की टिकट्स, यहाँ से मिलती हैं। आपको टिकट्स कैसे लेनी है वो हम दिखाते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश, परचेज टिकट्स। अब यहाँ से आपको लेना है, यहाँ से आप बुक ऑफ टिकट्स ले सकते हैं। बुक ऑफ टिकट्स में मतलब आपको 10 टिकट्स का बंडल मिलेगा, जो कि एक्चुअली कम कॉस्ट होता है। सो वन बुक मीन्स 10 टिकट्स, विच विल कॉस्ट 16.9 एंड 20 टिकट्स इज 13.9। अगर आप सिंगल में 10 टिकट लेते हैं, दैट विल कॉस्ट अराउंड 19 समथिंग। तो आपको ये सिलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू पे बाय कैश। देयर इज अ मशीन जहाँ पे आप नोट इंसर्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन, किसी मशीन में दोनों ऑप्शन रहते हैं, किसी मशीन में केवल एक ऑप्शन रहता है। तो अगर आपको 10 का पूरा बंडल नहीं मिल रहा है तो आप काउंटर से भी ले सकते हैं। किसी किसी मशीन में 10 का बंडल नहीं होता है, हाँ। आप काउंटर से भी ले सकते हैं। तो आपके जो काउंटर पे जो लोग बैठे रहते हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे बाई यूजिंग द कैश पेमेंट और कार्ड पेमेंट। ये जो टिकट्स होती है ये आपको एंटर करनी होती है, इसके बाद हम मेट्रो से कहीं पे भी घूम सकते हैं। टिकट्स अपने पास रखिए। कहीं कहीं पे क्या है कि टिकट्स नहीं, बाहर निकलने के लिए टिकट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन किसी किसी उस पे मेट्रो से आपको जरूरत पड़ेगी। हाँ। तो कीप द टिकट हैंडी जब तक आप पूरी जर्नी कम्प्लीट नहीं कर लेते। और आप जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो एज अ ट्रैवलर ऑफ कोर्स हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ये 10 का बंडल लीजिए बिकॉज एनी वे इट्स गोना बी यूज्ड एंड आपकी सारी टिकट्स यूज हो जाएंगी। तो 10 के बंडल लेके आप यूज़ कर सकते हो टिकट। तो बहुत ही इजी है, और दो तीन दिन के टूर में आप कम से कम 10-15 या और ज़्यादा यूरो बचा सकते हैं। तो इट्स जस्ट फॉर फन एंड सेविंग, सम टिप्स फॉर सेविंग फ्यू बक्स। और यहाँ की मेट्रो में जरूर बैठे, बहुत ही अच्छी मेट्रो है, ओल्ड मेट्रो, दिल्ली स्टाइल मेट्रो। और एक बात और, अगर आपके साथ कोई 18 ईयर्स और 6 ईयर्स, यानी 6 ईयर्स से 18 ईयर्स के बीच में कोई बच्चा, मतलब है कोई किड है आपके साथ, तो आप और भी पैसे बचा सकते हैं। करीब 500 रुपये तक आप बचा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप बच्चों के लिए एक अलग से टिकट्स आती हैं, टिकट का बंडल आता है, आप वो लीजिए। उसमें क्या है, हाफ प्राइस हो जाता है। अगर 9 से 10 यूरो के बीच में आपको वो पूरा बंडल मिल जाएगा 10 टिकट्स का। तो अगर आपके साथ कोई किड है जिसकी एज 6 से 18 ईयर्स के बीच में है, तो आप उसके लिए वो टिकट्स लेते हैं। इससे क्या होगा, आपके 500 से 600 रुपये बच जाएंगे आसानी से। तो आप 3 से 4 लोग हो और आपका ट्रिप जो है वो 2 से 3 दिन का है, तो इस 2 से 3 दिन के बीच में आप करीब 3 से 4 हज़ार रुपये बचा सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा होगा। और हमारी जो पेरिस की यात्रा है वो अभी जारी है, तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हमारी और भी यात्राएं आने वाली हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।